पर्चा नहीं लाया मारे अगे बड़े बंदे तूपा दे पर्चा लाने वास्ते लेकिन कोई नहीं वकील साहब है हम अपना केस खुद लड़ लेंगे कोई चक्कर नहीं जल्दी हमारी जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको हम फीचर करेंगे लाइक सीरियसली मेरे चैनल का क्या होगा वो फिर आपको देखना पड़ेगा हमारी तरफ से है कि आप यू आर मोस्ट वेलकम और सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी हम आपको टाइम नहीं दे पाए मूवी तो आपने देखी होगी डॉन उसका डायलॉग है एक फेमस डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और ये बात सच में सच हो गई आज और वो क्यों हुई है आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएगा सर क्या चक्कर है क्यों नहीं मिल रहे अपने फैन से क्यों नहीं मिल रहे हो आप मेरे से क्या हो गया क्यों इतनी क्या टेंशन हो गई है पहले तो मतलब मुझे सलो बदमाश बोलते हैं तेरा पंगा हुआ इन्होंने एक डायलॉग बोला कि डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है और बोल रहे हैं ये बात सल्लू बदमाश जो डॉन है जम्मू का उसने साबित कर दी है लेकिन क्यों आपने ऐसा क्यों बोला सल्लू बदमाश सर पिछले 4 महीने से मैं आपसे मिलना चाहती हूँ इवन काफ़ी सालों से मिलना चाहती हूँ मैं जर्नलिज्म में आई इसीलिए थी कि मैं आपसे मिल सकूँ लेकिन आप मिलते ही नहीं हो 4 महीने से कॉल के ऊपर कॉल कल परसों इतना इग्नोर करोगे अपने फैन को नहीं नहीं इग्नोर नहीं किया सल्लू बदमाश के स्टाइल में यही बोलता हूँ कि लड़कियों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए लड़की करती है खजल लेकिन ऐसा नहीं है और आपको पता है हमारी शूटिंग्स वगैरह बहुत चलती हैं और कोई भी नया कोई जम्मू में कोई मसला चल रहा हो उसके ऊपर हमारी वीडियो आ जाती है कोई भी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उस पर वीडियो आ जाती है कोई फेस्टिवल हो तो हमारे लगातार शूट्स चलते रहते हैं तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी हमने आपको टाइम नहीं दे पाए और आज हमने फाइनली मिल लिया है और आप पूछिए जो सवाल आपने पूछने नहीं वीडियो में तो आप बड़ा बोलते हो कि फैन 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 अब क्या हो गया नहीं नहीं सॉरी मैंने वही बोला ना सॉरी हमें टाइम नहीं मिल पाया सॉरी नहीं चाहिए मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए प्रॉपर कि हमारी वीडियोस के शूट होते रहते हैं कोई भी करंट टॉपिक हमारे जम्मू में चल रहा हो हमारी टीम की कोशिश होती है कि फटाफट उसके ऊपर वीडियो बना दें तो आपने जब जब कॉल किए तब तक हमारा कोई ना कोई शूट चल रहा था तो इसके लिए अगर मैं आपको टाइम नहीं दे पाया एक्सट्रीमली सॉरी सलो बदमाश के अंदाज में भट्ट साहब के अंदाज में और अपने राजे वीर के अंदाज में पूर्ण दर्शकों के अंदाज में हर पूरी सैम्स प्रोडक्शन की टीम से सॉरी हम आपको टाइम नहीं दे पाए लेकिन फाइनली मिल गए हैं हम तो पर्चा लगाने वाली थी बच गए आप पर्चा नहीं लाया हमारे आगे बड़े बंदे तूपा दे पर्चा लाने वास्ते लेकिन कोई नहीं वकील साहब है हम अपना केस खुद लड़ लेंगे कोई चक्कर नहीं वकील साहब है हाँ जी हाँ जी कैसे मैंने लॉ भी किया हुआ है मैं वकील हूँ ये देखो ये बोलते हैं फैन इनको पता नहीं मैंने लॉ किया हुआ है इनको पता नहीं मैं वकील हूँ टाइम कैसे निकाला सर सबसे पहले तो ये बताइए आपने अभी हमारा कोई शूट नहीं था तो फाइनली आपके लिए टाइम निकाल लिया पढ़ाई के लिए मतलब बदमाशी से साइड होके आपने वकालत के लिए टाइम के पढ़ाई के लिए तो निकालना मुश्किल है वकालत करना तो क्या कर ली ना 11th 12th में जो था वैसे ना अब पता नहीं रास्ते रब खुद बनाता है बोलते हैं ना कि ईश्वर खुद ही अपने रास्ते बनाता है 11th 12th में मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों लिया हुआ था उसके बाद चला गया मैं लॉ में ना मेडिकल में ना नॉन मेडिकल में चला गया मैं लॉ में अब लॉ भी कर ली कंप्लीट और उसके बाद अब मैं वकील तो हूँ अब लेकिन जो मेरा पैशन है वो उसको फॉलो कर रहा हूँ आगे यूट्यूब में तो अब यूट्यूबर हैं तो सोच लो कि इस तरीके से मेरी जो है वो ज़िंदगी गई है मेडिकल नॉन मेडिकल लॉ उसके बाद यूट्यूब फाइनली अब मैं चाहूँगी आप जितने भी युवा हैं ना उनको मैसेज दे दीजिए कि कैसे अपने अपना जो टैलेंट है उसको ख़त्म ना करें क्योंकि वो ख़त्म कर देते हैं पढ़ाई के चक्कर में पेरेंट्स के लिए कभी रिलेटिव्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि अपने टैलेंट को कभी ख़त्म ना होने दें देखिए टैलेंट को ख़त्म ना होने दें बिल्कुल आपने सही बात बोली लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है पढ़ाई को सबसे पहले तो कंप्लीट करना है आपने आपने अपने जो अपने फील्ड्स चूज़ किए हैं उसको पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है चारा पढ़ाई आपको रखनी बहुत ज़रूरी है जिस तरीके से मैंने भी अपनी लॉ को हमेशा परस्यू रखा पढ़ाई करता रहा साथ साथ अपनी एक्टिंग को भी रखा और फाइनली एक वकील हूँ मैं लेकिन मैसेज मेरा युवाओं को नहीं रहेगा उनके पेरेंट्स को रहेगा क्योंकि ज़्यादातर ना क्या होता है कि घर वालों की सपोर्ट नहीं होती जिसकी वजह से बच्चा जो है वो आगे से इनकरेज नहीं हो पाता और अपने अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाता उस फील्ड में जा नहीं पाता तो मैं उनको पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि जिन अगर आपके बच्चों में कोई टैलेंट है और प्लेटफॉर्म नहीं है तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर आजकल रील्स वगैरह चल रही हैं उस पर आप अपनी वीडियोज़ डिस्प्ले करो अगर आप सिंगर हैं तो आप अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं डांसर हैं तो अच्छी अपनी डांस की वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं एक्टर हैं तो अपनी एक्टिंग की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं जिस तरीके से हमने भी किया और मैंने भी अकेले एक मोबाइल पर वीडियोस बनाना शुरू किया था एक टूटा हुआ मोबाइल था जिस पर वीडियोस बनाना शुरू किए और आज आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी हमारी टीम है और 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं ये लोगों का प्यार है और इसी तरीके से आपका प्यार बना रहे बस जी आपने पेरेंट्स की बात किया अपने पेरेंट्स की बात बताइए उन्होंने सपोर्ट किया आपको मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मेरे हमेशा से सपोर्टिव रहे पेरेंट्स और आज मतलब एक रब की कृपा और इतने अच्छे पेरेंट्स की कृपा है उनके आशीर्वाद है जो आज हमें लोग पहचान रहे हैं और हमारे काम को सच में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है अब इसको हट के एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे आपको क्या लगता है जम्मू के लोग डोगरी हैं या फिर जो भाषा बोलते हैं वही डोगरी हैं
देखिए ऐसा नहीं है, जम्मू के लोग हमारे डोगरे हैं और हमारा जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है जहाँ पर डोगरे भी हैं, कश्मीरी भी हैं, लद्दाखी भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हमारे यहाँ पे लोग हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं वो लोग। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि डोगरी को बोलना ज़रूरी है और डोगरी च असें गल करनी चाहिए। और मैं अपने अपने जिन्हें भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी मैं ये आखना कि जिले भी अस मीटअप करने हैं, मिलने हैं, ते अगर अस दो घंटे आस्ते मिला दे, एक घंटे आस्ते मिलाने हैं, ते असें अद्धा घंटा बीच जरूर कढ़ना है जिसे अस डोगरी च आपस से गल करें, क्योंकि अगर हम ही बात नहीं डोगरी में करेंगे तो फिर डोगरी किस तरीके से आगे बढ़ेगी और डोगरी तो ख़त्म हो जाएगी ना। और हमने सबसे पहले वीडियोज़ बनाना शुरू किया, डोगरी में वीडियोज़ बनाना शुरू किया और लोगों का प्यार मिला। आपने मेरी जम्मू दी मैटाडोर, जम्मू दी सब्जी मंडी, मैन वर्सेस वाइल्ड और जम्मू दे पूंड आशिक, जम्मू दे करवा चौथ, कितनी आपने हमारी वीडियोज़ देखी हैं जिस पर हमने डोगरी में अपनी कॉमेडी की है और डोगरी को साथ लेकर हम चले और आज ये है रिजल्ट है कि लोग इतना प्यार हमें दे रहे हैं। आपने सुना होगा हमें बच्चों को शर्म आती है डोगरी बोलने में और बोलना नहीं चाहते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल डोगरी में शर्म आती है लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज में भी जाएं तो वहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोली जाती, कोई बड़े फॉरेनर्स नहीं है कि वो इंग्लिश बोलें, वो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो असें डोगरी की डोगरी बोलनी चाहिए है। एंड मेरा एक मैसेज पेरेंट्स की भी है जिन्हें असें तुंदे माध्यम कने पेरेंट्स जेहड़े जम्मू दे पेरेंट्स सानू असें दिखा दे हैं, असें आखना चाहूँ कि दिखो डोगरी जेहड़ी है एक साड़ी जेहड़ी भाषा है उसी मतलब बहुत लोग ना शर्म कर जाते हैं बोलने में, उनको मतलब डोगरी बोलनी नहीं आती और उनको मतलब एक हेजिटेशन होती है कि, लेकिन अगर हम बोलेंगे बार बार, अब मुझे भी मैं बताऊं तो मुझे भी डोगरी इतनी आती नहीं थी बोलनी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, आहिस्ता 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 वो डोगरी आनी शुरू हो गई। आज हमारी डोगरी कहाँ ख़त्म हो जाती है, अगर कोई भी बच्चा ना कोई डोगरी का वर्ड घर पर बोल देना तो माँ ही बोल देती है कि चुप ग्राही है क्या तू, उधर ही ख़त्म हो जाती डोगरी। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए और हमें डोगरी में ज़रूर बात करनी चाहिए, चाहे दिन में हम आगे एक घंटा ही निकालें लेकिन डोगरी में हमें ज़रूर बात करनी चाहिए ताकि हमें पता तो चले हमारी लैंग्वेज है क्या। टूरिज्म की बात करते हैं, अपनी वीडियो के थ्रू आप टूरिज्म तो काफ़ी प्रमोट करते हैं जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सच में कर रहे हैं कि पेड प्रमोशन के लिए? किसके लिए? टूरिज्म जम्मू का जो प्रमोट करते हैं आप। देखो अच्छा लगता है अगर देखो हमारी वीडियोस को इतने लोग देखते हैं, खाली ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग देखते हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर के भी लोग हमें हमारी वीडियोस को देखते हैं और जब हमें पूछते हैं वो, और जो हमारे जम्मू के लोग बाहर जाके सेटल हो गए हैं तो वो हमारी वीडियोज़ देखकर बोलते हैं कि भैया आपने वहाँ पे अपनी वीडियोस में दिखाया फत्तू चिकन का बांटा, आपने वहाँ पे वीडियो में दिखाया थोड़ा पटनी टॉप का सीन दिखाया, कुछ अलग अलग जो हम जिस एरियाज में हम शूट करते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, तो वो रिलेट करते हैं। जानीपुर हमने मिर्ज़ापुर की जो वीडियो बनाई थी जानीपुर दिखाया, तो मतलब वो जब उन जगहों को देखते हैं तो वो भी खुश होते हैं, जो बाहर हमारे जम्मू के लोग बाहर गए हुए हैं तो वो बोलते हैं कि हम अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जो हमारे बाहर के लोग हैं मतलब जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग हैं तो उनको टूरिज्म दिखाना बहुत ज़रूरत है। आप देखोगे मेरी मिर्ज़ापुर वाली वीडियो में मैंने क्रिमची टेम्पल दिखाया और बहुत से लोगों को पता ही नहीं था ये क्रिमची टेम्पल कहाँ पर, तो हमने उसको शो किया अपनी वीडियोज़ में और लोगों को पता चला, बहुत लोगों ने वहाँ पर हमारी वीडियोज़ के बाद विजिट करना शुरू किया, अच्छा क्रिमची टेम्पल भी है कुछ। तो इस तरीके से टूरिज़्म को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। अब अपने बाकी करेक्टर्स के बारे में, तो कैसे मिले आप उनसे, कब सोचा आपने कि ये सैम प्रोडक्शन करके एक यूट्यूब चैनल बनाना है, ऐसे वीडियोस बनानी, कब सोचा आपने? देखो पहले तो शुरुआत अकेले की, मतलब एक पैशन था कि मतलब हमारी एक जो टीम, मतलब टीम तो क्या, मतलब जो हमारे अंदर टैलेंट है उसको डिस्प्ले किया जाए। पहले मैं स्टेज आर्टिस्ट था और अपनी वीडियोज़ से पहले मतलब स्टेज में परफॉर्मेंसेस करनी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, इस तरीके से। फिर उसके बाद ना मैंने सोचा कि यार मैं अपने मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एक्टिंग है वो सब लोग देखें, इसका दायरा थोड़ा बड़ा हो, यानी कि ऑडिटोरियम की 1500-1000 की ऑडियंस देखें बल्कि सब लोग देखें, और वो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म था। तो मैंने क्या किया, जो मैं स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंसेस करता था वही चीज़ें मैंने वीडियोस पे बनाना शुरू किया, जो मतलब सोसाइटी को देखकर, आप देखो जम्मू दी मैटाडोर, तो मैंने मैटाडोर में बड़ा ज़्यादा ट्रैवल किया ट्यूशन टाइम में, स्कूल टाइम में, तो मैंने सोचा कि मैटाडोर के ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं कि वहाँ पर अंदर क्या माहौल होता है, जिस तरीके से आंटियाँ किराए के पीछे लड़ रही होती हैं, कंडक्टर का वो स्टाइल करने करने हो जाओ हमारे करने करने हो जाओ, वो भट्ट साहब वो फंसे होते हैं यार इतनी फसोकेशन है यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने सब चीज़ें अपने दिमाग में थी और वो मैंने वीडियोज़ बनाने मतलब बना दी और लोगों ने इतना प्यार दिया, वो भी आज वीडियो 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया और जम्मू में और हमारी वीडियोज़ को इतना पसंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा, कभी भी इंटरनेट बंद हो जाता है, मतलब आपको तो पता ही है मीडिया लाइन से हो, आपको पता है कभी भी इंटरनेट बंद हो जाता है, उस वक्त हमने इतना अपना चैनल को चलाया और फिर भी इंटरनेट ना होने के बावजूद भी इतनी वीडियोज़ बनाई, और ये है कि लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है, हम बनाते जा रहे हैं। और बताइए कि आने वाली, अभी तो काफ़ी समय सबकी वीडियो नहीं आई है, क्यों नहीं आई आपकी वीडियो?
बस अभी आने वाली है वीडियोस, अभी अभी इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ आपने देखा होगा, वो हम थोड़ा मैसेज दे रहे थे अपनी वीडियोस के थ्रू, और हमने जिसमें मैसेज दिया कि डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की वजह से अपने पर्सनल रिलेशन ख़राब नहीं करने चाहिए, वो अब हमारे जो जर्नलिस्ट हैं आशीष कोहली के साथ, उनके साथ हमने वीडियो की, उसके बाद एक और वीडियो हमने निकाली, बस अब रिसेंटली शूट वगैरह चल रहा है और जल्दी आपके सामने वीडियोज़ आ जाएंगी हमारी। अब आशीष कोहली की वीडियो की बात तो हो गई है, तो सच्ची बताना वो क्यों वीडियो बनाई थी आपने? कौन सी? उनके लिए, आशीष सर के लिए? नहीं, उनके लिए नहीं बनाई थी ये, तो हम दोनों ने आपस में लोगों के लिए बनाई थी, और उसमें ये हमने मैसेज दिया था कि देखो क्या होता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की वजह से ना लोग आपसी रिलेशन हमारे ख़राब करते थे, अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, कोई किसी और पॉलिटिकल, तो आपस में लड़ पड़ते हैं और फेसबुक पर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और इससे क्या होता है, मतलब मैं बोलता हूँ हमने उसमें ये मैसेज देने की कोशिश की कि आपकी आइडियोलॉजीज़, आपके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपसी रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, तो हमने उसमें वो मैसेज दिया था। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी, कैसा लगा आपको फारूक अब्दुल्ला जी आपके घर पे आए? बहुत अच्छा लगा, और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जब उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात होती है, और फारूक साहब आए हमारे घर पे, हमें अप्रिशिएट किया, उसके बाद रमन भल्ला जी आए, उन्होंने भी हमें अप्रिशिएट किया, तो इट मीन्स कि हमारी जो वीडियोज़, जो जिस लड़के ने एक अपने टूटे हुए फ़ोन से वीडियोज़ बनाना शुरू किया किसी टाइम पर, उस इतनी अच्छी फिर उसके बाद टीम बनी, और आज सिर्फ आम लोग नहीं हमारी वीडियोज़ देख रहे, बल्कि नेता लोग भी हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है, और उन्होंने घर आके अप्रिशिएट किया, तो मतलब अच्छा एक हौसला बुलंद होता है ना, एनकरेजमेंट मिली। अब जाते जाते ना एक मैसेज दे दीजिए जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, क्या आप आपकी यूट्यूब चैनल में उनको मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सैम्स प्रोडक्शन का जो चैनल है हमेशा सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, अगर आप में एक्टिंग का टैलेंट है, अगर आप में सिंगिंग का टैलेंट है, डांसिंग किसी तरह का कोई टैलेंट है, आप हमेशा आ सकते हैं, वेलकम, मोस्ट वेलकम। व्हाट अबाउट मी? आप आ जाओ भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, वैसे आपकी जो नाराजगी थी ना, अब इसकी तरफ से हम, मैं आपको कॉम्पनसेट ऐसे करूंगा कि जल्दी हमारी जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको हम फीचर करेंगे। लाइक सीरियसली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लो चैनल में आप वादा कर रहे हो, देख लो सही हमने वादा कर दिया यहां पे। चलो सोच पक्का, लो। पक्का पक्का डन, मेरे चैनल का क्या होगा वो फिर आपको देखना पड़ेगा, हमारी तरफ से है कि आप, यू आर मोस्ट वेलकम, हमने आपको कॉम्पनसेट कर दिया, अब आपने हम लोग चैनल को खुद संभालना, हम तो अपने सैम्स प्रोडक्शन को संभाल रहे हैं। देख लिया आपने, आने वाले समय में आप मेरे को भी देखेंगे सैम प्रोडक्शन में, तो एक वीडियो में तो मैं जरूर आऊंगी इनके साथ। बिल्कुल जरूर, बोल रहे हैं पक्का, वादा कर रहे हैं, देख लो हमारे चैनल के माध्यम में आपने देख लिया है कि वादा कर रहे हैं, प्रॉपर वादा किया है उन्होंने मेरे को कि ये मेरे को अपनी वीडियो में फीचर करेंगे, चाहे एक में करें दो में करें, लेकिन करेंगे।